फाउंडेशन के माध्यम से वे कई सालों से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण में बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन होता है। पूरे देश में काम करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन हर क्षेत्र में काम करने वाले गुणवत्ता प्राप्त लोगों का चयन कर उनको सम्मानित करता है। अटल जी की कल्पना में जो भारत था, उस भारत की जो मूर्तमय उन्होंने की थी, जो नीम का पत्थर के रूप में उन्होंने काम किया था, वो भारत आज नए रूप में पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी G20 का कार्यक्रम हुआ, पूरे विश्व में भारत की जो नई साख है उसने एक सिद्ध कर दिया कि अब भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भारत की ताकत ये भारत की जनता है, तो इन जनता का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी इस देश के स्वाभिमान के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसमें सरकार को अपना योगदान दे रही है। उसके साथ साथ समाज में काम करने वाले एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, इनका भी अपना एक कुछ दायित्व बनता है और वो दायित्व इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। आज यहाँ पर अटल इंटरनेशनल अवार्ड से भी लोगों को नवाजा जाएगा और अटल गौरव सम्मान के रूप में भी दिया जाएगा। देश के प्रतिष्ठित लोगों को चयन कर उनका सम्मान करना ये बहुत अच्छा काम इस व्यासपीठ के माध्यम से होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के इस कार्यक्रम को एक नई क्रेज दी है। आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर साकार हो रहा है उसकी तरफ पूरा देश का ध्यान है। ऐसे नए नए कीर्तिमान इस कार्यकाल में जो मोदी जी के हो रहे हैं उसमें इस प्रकार के गुणवत्ता प्राप्त लोगों का सम्मान करना ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। संस्था के सभी आयोजकों को, अपना जी, मनोज जी और ये व्यासपीठ पर जिस प्रकार के लोग मान्यवर बैठे हैं, इन सबको धन्यवाद देते हुए आप सबका मनपूर्वक मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सम्मान के साथ श्री अविनीश सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके अभिवादन के लिए कि आप आए सर, सम्मानित मंच का स्वागत करें और हम सभी को संबोधित करें।